सो गाइज लेट स्टार्ट अनदर सेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 2, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो एज यूजुअल जो लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया है कि आराम से आप लोग 20 तक के स्कोर कर ही लेंगे एंड इससे हम लोग एश्योर करेंगे कि चलो कुछ नहीं तो 30-35 मार्क्स का पेपर जो हमारा है वो अटेम्प्ट कर ही लेंगे हम लोग। तो पहले जल्दी से थ्योरी कवर कर लेते, थोड़ा स्पीडली जाएंगे और फिर कुछ जो प्रोबेबल सम्स है जो एक्सपेक्ट करते हम लोग एग्जाम में आएंगे आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी कहाँ से शुरू होती है। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए पेन मैंने ऐसा फेंक दिया तो ये एक्सपेरिमेंट है मेरा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, बराबर। तो आप क्या बोलेंगे, बोलो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो आप इतना डिटर्मिनिस्टिक नेचर है आपका, कैसा नेचर है, डिटर्मिनिस्टिक, बिकॉज आपको क्या पता है ग्रेविटेशनल का, यानी ग्रेविटेशन का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता है कि यार कोई भी चीज सर फेंकने वाले तो धरती पे आके गिरने ही वाली है। तो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं दोस्तों, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो आपको एक क्वेश्चन थ्योरी बेस भी आ सकता है कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है, और साथ ही साथ आपको लोग एग्जांपल दे सकते हैं और पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई कि ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा मैं एक फार्म में गया, खेत में गया और वहां पे मैंने क्या किया, चार में सीड्स लेके गया था, किसी भी प्लांट के सीड्स लेके गया था, 4, 10, 15, 20, ठीक है। तो 10 सीड्स लेके गया मान लो, और वो 10 सीड जो है मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया, ऊपर से पानी डाल दिया, ठीक है। हर दिन मैं उसको पानी दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड डे कितने बाहर आए होंगे जो भी प्लांट्स के सीड्स में से कितने आए होंगे, क्या लगता है आपको? थर्ड डे 10 सीड्स डाले थे, बोलो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना ऐसा एक्सपेरिमेंट। सर एक भी आया होगा, दो भी आया होगा, तीन भी आया होगा, चूहा खा भी गया होगा, जीरो भी आए होंगे, सभी आ गए होंगे, बोल सकते पक्का? नहीं बोल सकते। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब मुझे बताओ, मान लीजिए घर पे पानी गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गीजर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पतीला लेके क्या करेंगे, पानी गर्म करेंगे, तो 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होता है वाटर का, तो और वाटर बॉइल होगा क्या, क्या लगता है आपको, होगा ना, यही तो नियम है, 100 डिग्री पे क्या होता है, वाटर बॉइल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा है, डिटर्मिनिस्टिक है ना। तो लॉजिकल सेंस है, यही चीजें बस डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमको देखना है। जल्दी आ जाओ यार। सो ये देखो, दो चीजें मैंने बताई, कितना क्वेश्चन आएगा, दो, एक तो आपको क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, और दूसरा क्या बोलेगा कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देगा, इन अ टॉसिंग अ कॉइन द आउटकम मे बी हेड और टेल, कैसा एक्सपेरिमेंट है, बोलो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, अभी हेड आएगा कि टेल आएगा मालूम नहीं ना, सही है। तो गाइस डिटर्मिनिस्टिक देखो क्या है, द एक्सपेरिमेंट विच हैव यूनिक आउटकम और रिजल्ट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। अरे टाइम पे आओ रे, हो गया डन, बैठो बैठो जल्दी से। द एक्सपेरिमेंट विच हैव यूनिक आउटकम उसको डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इफ अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर देन इट विल डेफिनेटली विल फॉल ऑन द ग्राउंड, बेसिक चीज है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, नॉट यूनिक, तो डेफिनेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी एग्जांपल दो, आपको ये पहचानते आना चाहिए डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कौन सा है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक कौन सा है, ये कैटेगरी को एंड करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको इनमें से कोई तो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अगेन या तो डेफिनेशन देगा या तो कोई तो ऐसा सेट देगा और बोलेगा ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, काउंटेबल ये है क्या। समझ में आया, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आएगा, डेफिनेशन आएगा, नहीं तो कोई एग्जाम्पल देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा टाइप है हमको ढूंढ के बताओ। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, वन लाइन में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बट ये तो पक्का है कि जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना उसको दूसरा स्कोप ही नहीं पूछने का, या तो उसको डेफिनेशन पूछना है या तो फिर उसको कोई एग्जांपल देके आपको पहचानने लगाना है कौन सा भैया ये बता। तो जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, तो जैसे अगर मान लीजिए कॉइन है,
कॉइन टॉस कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल मिलके बन गया सैंपल स्पेस। अभी वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो वो दोनों में से कोई तो एक ही आएगा ना, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए एमसीक्यू बेस एग्जाम में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने पहले ही बोल के रखा है भैया इसके चार ऑप्शन है, ठीक है, तो एमसीक्यू वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका सैंपल स्पेस क्या हुआ, फोर, ऑप्शन ए, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, समझ में आया। अभी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, एक पे टिक करेंगे, या तो सही निकलेगा या तो गलत निकलेगा, समझ में आ गई बात। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, ये डेफिनेशन है, बकवास है, मुझे भी पसंद नहीं है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहा था आपको यार, कोविड के पहले लिखा था, ठीक है, और बाद में मैंने रिव्यू नहीं किया, जल्दबाजी में लिखा था, आपका सिलेबस 2019 में आया और 19 में ही मैंने तैयार किया था। एनीवे, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ आपके लिए, क्योंकि पढ़ा मैं वैसे रहा हूँ तो आपको उस हिसाब से ही उसको लेना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, भैया कोई भी एक्सपेरिमेंट करो उसका जो आउटकम्स होंगे, जितने भी पॉसिबल आउटकम, जैसे एमसीक्यू के चार ऑप्शन थे, कॉइन टॉस करेंगे तो उसके दो पॉसिबल आउटकम है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो सैंपल स्पेस जो है वो एस या ओमेगा के सिंबल से डिनोट किया जाता है, और ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। फाइनाइट सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं, भैया ये एक्सपेरिमेंट कैसा फाइनाइट ही है ना, बिकॉज देयर आर ओनली टू आउटकम, बराबर। अभी मान लो मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जब तक हेड नहीं आएगा तब तक कॉइन को टॉस करना है, फाइनाइट है क्या, बोलो, ये बोल नहीं सकते ना, क्योंकि जब तक हेड नहीं आएगा, बराबर है। अगर मान लीजिए मैं पाप करके पैदा हुआ हूँ दुनिया में, तो क्या होना है, हेड आएगा ही नहीं यार कभी मेरी जिंदगी में, ट्राई करते रहूंगा, है ना, वो हमेशा एवरी मैच वो होता है ना, कोई कैप्टन खेलता है तो कैप्टन के नसीब में हमेशा क्या होता है, टॉस कभी जीतता ही नहीं हो बंदा, सो सेम केस है, सो इसको क्या बोलेंगे। लेकिन लेकिन एक चीज बताओ, काउंट कर पाऊंगा ना मैं, काउंट तो कर पाऊंगा भैया, इनफिनाइट है, मुझे पता है कि हेड नहीं आता तब तक के, लेकिन काउंट करते 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 तो जा रहे हैं ना हम लोग, तो ये जो स्टेज है ना, इसको इस तरीके से माना जाता है, इसको बोला जाता है काउंटेबली इनफिनाइट सैंपल स्पेस, कि यार इनफिनाइट है लेकिन काउंट करते आएगा, कैसे काउंट करते आएगा, मान लो पहला ही कॉइन टॉस किया, ठीक है, हेड आ गया, काउंट किया, फिर दूसरा टेल आया, हेड आया, दो टेल हेड, 50 लाख बार मैंने कॉइन टॉस किया, हमेशा टेल आया, बाद में हेड आया, तो ये तो इनफिनाइट भी हो सकता है ना, तो इनफिनाइट है यानी इनफिनाइट तक जा सकता है, लेकिन काउंटेबली है, काउंट भी करते आएगा। तो गाइस फाइनाइट में तो पूरा फिक्स, 2, 3, 4, 5, 10, 10 लाख, 20 लाख पक्का नंबर बोलो, और इनफिनाइट क्या बोलता है, या नो वरीज, इनफिनाइट बोलता है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इनफिनाइट देन इट इज कॉल्ड एन फाइनाइट, ये देखो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्या होना चाहिए, इनफिनाइट सैंपल स्पेस, डन। अब गाइस तो इनफिनाइट में पहला टाइप कौन सा, काउंटेबली इनफिनाइट, तो काउंटेबली क्या बोलता है, इफ द सैंपल स्पेस इज काउंटेबल, और लेकिन कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कैसा होता है, लास्ट वाला नंबर पता है क्या हमको, तो डैश 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 होता है, वन से शुरू होता है इतना पता है, बाकी तो एंड, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ केस होता होगा दोस्तों, तो उसको बोलेंगे काउंटेबली इनफिनाइट सैंपल स्पेस। आगे आ जाते हम लोग अनकाउंटेबली इनफिनाइट सैंपल स्पेस। अभी अनकाउंटेबली क्या बोलता है, टाइम को कभी कोई काउंट कर सकता है क्या, टाइम को ऐसा पकड़ सकता है, टाइम को आप लिख सकते हैं क्या, बोल अभी कितना बजा, लिख के बता, लिख 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 जल्दी, क्या करेगा, मोबाइल निकालेगा, घड़ी देखेगा, कुछ तो करेगा ना, बट क्या लगता है वो घड़ी में जो टाइम है वो सही है क्या, सही नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट है, कैसा है, क्योंकि उसमें वो क्या करेगा, 2:03, 4 सेकंड इतना लिखेगा, बट मैं पूछूंगा उसको, पर आगे मिली सेकंड कितना, फिर जैसे ही वो मिली लिखेगा, मैं पूछूंगा माइक्रो कितना, नैनो कितना, आप समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं, तो टाइम कितना भी छोटा हो सकता है ना, क्योंकि वो रियल लाइन पे बैठा हुआ है, वो कंटिन्यूअस है, कैसा है वो, कंटिन्यूअस। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको डिस्क्रीट ऐसा कोई मैनर नहीं, जैसे कॉइन जो है वो टॉस कर रहे हैं ना, तो रुक रुक के एक्सपेरिमेंट कर रहे, काउंट कर रहे, फिर कॉमा कर रहे, फिर अगला लिख रहे, फिर अगला लिख रहे, इसमें ना रेंज ही देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, रेंज,
ऐसा कोई रुक रुक के वाला काम नहीं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का जो बैटरी का लाइफ है वो इन अनकाउंटेबल इनफिनाइट सैंपल स्पेस आएगा उसका, क्या आएगा, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकते लाइफ, और वो टाइम आ गया। तो ऐसी कुछ चीजें जो कि एक रेंज में आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनकाउंटेबली इनफिनाइट सैंपल स्पेस। सो द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो लाइफ टाइम है उसको आप ऐसा कॉमा कर करके सेपरेट नहीं कर सकते, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट बोलेंगे, जो कुछ आप बोलेंगे वो कैसा होगा, अप्रोक्सीमेट होगा। गाइज अभी तक जो हमने पढ़ा ना, डेफिनेटली हम लोग उस पे कहीं ना कहीं आपके पेपर में क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, भले वो 1 मार्क का हो या 35 मार्क्स के पेपर में 1 मार्क मतलब बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है, जो 14 मार्क्स का पासिंग है इतना आप समझ के लो। तो अभी तक जो पढ़ा ना हमने बहुत हल्का फुल्का पढ़ा। पहले पढ़ा हमने क्या पढ़ा, पहला ही डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है एक्सपेरिमेंट, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या, जिसका आउटकम, जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम यूनिक होता है वो डिटर्मिनिस्टिक, जिसका आउटकम नॉट यूनिक होता है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बराबर है। एक एक एग्जाम्पल आपको करके जाना है। उसके बाद सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस। फिर सैंपल स्पेस के भी बहुत तरीके हैं, जैसे फाइनाइट सैंपल स्पेस, ठीक है, जिसके आउटकम जो है वो फाइनाइट है वो फाइनाइट सैंपल स्पेस, जिसके आउटकम काउंट कर सकते हैं बट इनफाइनाइट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट, बराबर। और जो कंटिन्यूअस है मतलब यहाँ पे आप देखेंगे नॉट काउंटेबल है, जो काउंटेबल है, डेफिनेशन देखो बिल्कुल सेम टू सेम, जो काउंटेबल है और सेट है नेचुरल नंबर का वो हो गया काउंटेबली, नॉट काउंटेबल है तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अनकाउंटेबली। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सिंपल है। उसके बाद में हम लोग एक्सपेक्ट करते देखो, और एग्जाम्पल के साथ ही लिखना नहीं तो आधा ही मार्क मिलेगा, विथ एग्जाम्पल लिखना पड़ता है किसी भी चीज को, ये आने का चांस लगता नहीं है पर ठीक है करके गए तो दिक्कत नहीं। दो और तरीके सैंपल स्पेस के, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। अभी डिस्क्रीट क्या होता है, हेड टेल कॉमा कर करके आराम से लिख सकते हैं तो डिस्क्रीट है, और जो ऐसा रेंज में आता है जैसे लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये जिसको नहीं समझ में आया वो समझो, लाइफ टाइम क्या है भैया, लाइफ टाइम है एक्स, और जो एक्स है ना हमारा वो 0 से इन्फिनिटी, मतलब क्या, इट में बी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। 0 to infinity मतलब बेसिकली 1 2, ठीक है, बिकॉज वो लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, समझ में आया ना, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना चीज याद रखना डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, बाकी आप समझदार हो। देखिए जो काउंटेबली इनफाइनाइट और फाइनाइट है ये डिस्क्रीट में आता है, क्योंकि वहां पे देखिए हमने ऐसा लिखा था, यहाँ पे हेड कॉमा टेल लिखते हैं तो ये डिस्क्रीट हुआ, और यहाँ पे कॉमा कॉमा कर करके लिखते हैं इसलिए ये भी डिस्क्रीट हुआ। तो डिस्क्रीट के दो एग्जाम्पल है, कौन सा, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, और कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस के कौन से एग्जाम्पल है, बस एक ही है, कौन सा, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ये इसमें आइसोलेटेड वैल्यूज होते हैं कॉमा कर करके, और इसमें क्या होता है पूरा एक इंटरवल होता है रियल लाइन का, 0 to infinity, 0 to something, ठीक है, ये पूरा उसका क्या होता है, रेंज होता है। तो हमने अभी तक के क्या क्या टॉपिक पढ़े, फिर से बार 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 ये है ना रिकॉल करना है हमको। सबसे पहले क्या पढ़ना बोलो, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक, फिर पढ़ना सैंपल स्पेस का डेफिनेशन, सैंपल स्पेस में फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में दो बोलो कौन सा, काउंटेबली इनफाइनाइट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। फिर आगे बढ़ गए हम लोग, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट के दो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मतलब दो टाइप, कौन से, फाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट, और कंटिन्यूअस में एक ही है, कौन था, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, क्लैरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इवेंट क्या होता है, देखिए सैंपल स्पेस में जो भी आउटकम हमने लिखे ना, हेड एंड टेल एंड ऑल, तो वो तो ऑल पॉसिबल आउटकम है ना, बट जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा तो क्या होने वाला है, कोई तो एक ही इवेंट जनरेट होगा ना उसमें से, बराबर है भैया। सैंपल स्पेस तो बहुत सारे आउटकम तो बहुत सारे, बट मैं जैसे एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, तो वो चारों ऑप्शन मेरे सैंपल स्पेस में, बट उस समय में जिसको टिक करूंगा वो मेरे लिए वो टाइम का इवेंट है। तो बेसिकली सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, इवेंट होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों आपको। अब देखिए अगर दो कॉइन हम लोग साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, देखो किया क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, टीएच और टीटी, ये पूरा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया ना,
ये देखिए मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, दो कॉइन अगर हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया, बात आई समझ में दोस्तों? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको ये वाला इवेंट होना कि जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज हेड्स, तो क्या होगा आपका इवेंट? टी एच एच टी एच एच, एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज हेड, कम से कम एक कॉइन ने तो भी क्या दिखाना चाहिए, हेड दिखाना चाहिए। तो ये मेरा इवेंट है और ये मेरा क्या है, सैंपल स्पेस, और ये इवेंट ही सैंपल स्पेस का क्या है दोस्तों, सबसेट, है ना? क्लियर हो गया? पक्का? डन, वेरी गुड। तो इवेंट, इवेंट बोला, बोले तो क्या, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, बस इतना याद रखना। क्या याद रखेंगे? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, क्लियर है? ओके, अभी लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा इवेंट, इवेंट के पहले क्या पढ़ा, जस्ट इवेंट के पहले क्या पढ़ा, जल्दी से बोलो, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, उसके पहले क्या पढ़ा, सैंपल स्पेस, ठीक है? चलो सैंपल स्पेस में दो, फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में दो, काउंटेबली अनकाउंटेबली, उसके पहले क्या पढ़ा, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बात खत्म, सिंपल सी बात है ना, कुछ ना कुछ इसमें से आने वाला है, हल्का फुल्का आराम से आपको करके जाना है, न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इवेंट अभी देखने जा रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट वो होता है जिसका जो आउटकम होता है ना, वो सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट पे बेस होता है, किस पे, एक ही। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे यू नो सैंपल पॉइंट्स है सैंपल स्पेस में, मान लो चार सैंपल पॉइंट है, जैसे अभी थे ना टी टी एच एच टी एच और एच एच, जो भी था, ठीक है, चार थे, करेक्ट। ऐसा इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, सबसेट है, इवेंट क्या होता है, सबसेट, किसका सबसेट होता है, सैंपल स्पेस का। ये देखो एच 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 टी टी एच टी टी, ये इसी का सबसेट है ना, तो सबसेट है तो ये इवेंट तो बन गया, ये तो पक्का है। लेकिन इसमें कितने सैंपल पॉइंट आए, एक ही सैंपल पॉइंट आए, वन टू थ्री फोर, चार सैंपल पॉइंट है। सैंपल स्पेस में सभी क्या होते हैं, सैंपल पॉइंट होते हैं, एवरी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इज वन सैंपल पॉइंट, क्लियर? तो देयर आर फोर सैंपल पॉइंट इन दिस सैंपल स्पेस, एंड अगर आपके इवेंट में आपने ऐसा इवेंट बोला कि बस एक ही सैंपल पॉइंट आया, तो वो कौन सा बन गया, एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, वो बन गया एलिमेंट्री इवेंट। ये क्लियर, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल, मुझे एक ऐसा इवेंट चाहिए था कि जिसमें दोनों कॉइन टॉस करने के बाद दोनों टेल आने चाहिए, तो वो कौन से टाइप का बनेगा, एलिमेंट्री बनेगा। और मैंने बोला एटलीस्ट वन टेल होना, एलिमेंट्री बनेगा क्या, क्योंकि एटलीस्ट वन बोला तो फिर तो इवेंट में ये तीन सैंपल पॉइंट आएंगे ना, कम से कम एक टेल बोला तो ये तीनों आएंगे, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी दो टेल है, चलेगा, ठीक है? तो एलिमेंट्री इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट होते हैं बोलो, सिंगल, एक ही सैंपल पॉइंट होता है, बाकी और कुछ नहीं, कोई भी। और हमेशा याद रखना, बिना एग्जाम्पल के लिखना नहीं है, एग्जाम्पल लगेगा ही लगेगा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या बोलता है, यार सैंपल स्पेस में तो यू नो चार थे, जैसे अभी जो सैंपल स्पेस हमने लिखा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एच एच था सर, टी एच था सर, एच टी था और टी टी था, और मैंने एक ऐसा इवेंट चाहा जिसमें सिर्फ एक ही टेल आए और दूसरे बार कॉइन टॉस करे तो कुछ ना आउटकम आए, ऐसा होगा क्या, या तीन टेल आए ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो वो इवेंट कैसा बोल रहे हैं आप, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब एन इवेंट विच डज नॉट कंटेन एनी सैंपल पॉइंट, खाली, जैसे रोलिंग अ डाई, तो डाई रोल करेंगे तो यार वन से लेके सिक्स तक ही आता है ना, बट वो एक्सपेक्ट कर रहा है सेवन, कहां से आएगा, है कि नहीं? कैसिनो में खेलेगा तो पूरा हार जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि सेवन कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अभी तक के कितने इवेंट के टाइप पढ़े हमने, चार या पांच, दो पढ़े, कौन से, एलिमेंट्री एंड इम्पॉसिबल। एलिमेंट्री इवेंट के अंदर में कितने सैंपल पॉइंट होते हैं सैंपल स्पेस के, वन, ठीक है? और इसमें कितने होते हैं, दो या तीन, जीरो, क्लियर है आपको? दो इवेंट टाइप पढ़े हमने, एलिमेंट्री एंड इम्पॉसिबल। आगे पढ़ रहे श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट क्या बोलता है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया,
पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, फॉर एन इवेंट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ऑल द सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, तो वो क्या होता है, श्योर और सर्टन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने एक डाय रोल किया और मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें लेस देन सिक्स होना चाहिए, जो डाय का ऊपर का हेड है, डाय का जो ऊपर का सरफेस है वो लेस देन सिक्स आना चाहिए, तो यार कैसे भी फेंको हमेशा क्या आएगा, वो आएगा ही ना। कैसा इवेंट है वो, एकदम श्योर है, इम्पॉसिबल था क्या, नहीं था, ठीक है। सो इफ फेयर डाइस इज रोल्ड वंस, द इवेंट दैट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू सिक्स, ये कैसा हो गया, श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। गाइस ये हमने इवेंट के टाइप पढ़े, कितने टाइप पढ़े अभी तक के, तीन टाइप पढ़े। आगे का टाइप है दोस्तों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग इवेंट है, दो अलग अलग इवेंट है, ठीक है, और वो दो इवेंट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते, क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन कॉमन एलिमेंट हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, और ये दोनों इवेंट का हमने क्या करा, इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन मिला क्या, ये कैसा मिला, एम्प्टी फाई, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये ए और बी को आप डिसजॉइंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट बोल सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब तक के कितने टाइप पढ़े हमने, चार टाइप पढ़े। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में एक इवेंट की जरूरत होती है आंसर देने के लिए, या दो, दो की जरूरत होती है, और वो दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा आना चाहिए, एम्प्टी बराबर फाय होना चाहिए, फाय है मतलब वो दोनों डिसजॉइंट है, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, दोनों में हमें कोई सिमिलैरिटी नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। कभी कभी क्या होता है, ये दो इवेंट का अगर आपने यूनियन कर दिया तो डायरेक्ट कौन आ जाता है, एग्जॉस्ट, पूरा सैंपल स्पेस खत्म कर दिया। वो दो इवेंट आपने ऐसे बोले कि सैंपल स्पेस में बेचारा एक सैंपल पॉइंट भी एक्स्ट्रा का नहीं है, पॉइंट क्लियर, तो उस केस में वो बन जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट। टू इवेंट्स ए एंड बी डिफाइन ऑन एस आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ ए यूनियन बी इक्वल टू एस, कि वो दो इवेंट का अगर यूनियन किया तो डायरेक्ट सैंपल स्पेस एंड हो जाता है। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। कितने हो गए अभी, पांच। पहला कौन सा था, कौन सा, ओके, दूसरा इम्पॉसिबल, तीसरा श्योर इवेंट, फोर्थ कौन सा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एंड फिफ्थ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को एक इवेंट चलेगा या दो, दो बताने पड़ेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन किया तो क्या आना, एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है, एंड देन ए यूनियन बी क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, पूरा सैंपल स्पेस वापिस आना चाहिए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ये इवेंट्स में से ही आने के चांस है, फेवरेबल इवेंट चांस नहीं है, बट देख लेते हैं। द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच रिजल्ट्स इन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट आर नोन एज फेवरेबल इवेंट। बेसिकली फेवरेबल इवेंट क्या होता है ना, इन अ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ये समझ में आता है ना आपको, कार्ड, ठीक है, सुना तो होगा, कार्ड्स होते हैं दुनिया में, ठीक है। ये देखो ऐसे कुछ सिंबल आपको याद होंगे ना, होते क्या ऐसा है ना, और एक ऐसा भी होता है ना, और एक क्या होता है ऐसा डायमंड, राइट, ये सब आपको पता है, दो रेड वाले होते, दो ब्लैक वाले होते, ये दो रेड वाले होते, ये दो नहीं, ये दो ब्लैक वाले, ये दो रेड वाले, 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी आपको पता है बराबर। इसमें से 2 से लेके 10 तक प्रॉपर डिनोमिनेशन होते हैं, बाकी एस होता है, जैक होता है, और क्या होता है, क्वीन होता है और किंग होता है, सब आपको पता है यार, रम्मी वाले हो आप, है कि नहीं, चलो एनीवे अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओके। इन ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स द इवेंट्स फेवरेबल टू गेटिंग डायमंड आर 13 डायमंड कार्ड्स। सीधा सीधा बात है यार, अगर मान लो पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है तो उसके अंदर 15 डायमंड वाले कार्ड होते हैं क्या, कितने होते हैं, है ना, तो फेवर में कितने है, 13 ही है, 14 बोलेंगे क्या, 12 बोलेंगे क्या, नहीं, तो ऐसा इवेंट 13 ही कार्ड होते हैं, 14 नहीं पॉसिबल, 12 नहीं पॉसिबल, आप समझ में आ रहे हैं, मुझे अगर डायमंड वाले चाहिए पूरे 52 में से, 452 में से, तो वो फेवरेबल ही होगा, समझ में आई बात। तो हमने यहाँ पे इतना ही कॉन्सेप्ट है, द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो
जो कि हमें विच रिजल्ट इन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर नोन एज फेवरेबल इवेंट, यानी जो भी कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसका हर एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो ठीक है वो कैसा होता है, फेवरेबल होता है। तो स्टिल मैंने जो आपको कहा एक्सपेक्टेड नहीं है ये डेफिनेशन, सिर्फ ऊपर के कितने करना है 5 ये करना है कीजिए, बट अभी तक के कोई एग्जाम में वो आया नहीं है। देन इक्वली लाइकली इवेंट्स अगेन वे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। इक्वली लाइकली क्या होता है यार, ये नहीं होना, अनबायस नहीं होना, मतलब अभी हेड आएगा या टेल आएगा ऐसा होता है क्या, 40-60 कैसा होता है एक्सपेरिमेंट, 50-50 है ना, हेड आने का भी उतना ही चांस और टेल आने का भी, सॉरी भाई, हेड एंड टेल दोनों आने का उतना ही चांस, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली, हेड आने का भी उतना ही टेल आने का भी उतना ही। ओके अब इतने इवेंट्स हमने पढ़े लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ ऊपर के 5 में इंटरेस्ट है, 2 एक्स्ट्रा करना है कीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेन 5 है उन 5 में से आने का चांस है ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ये करेंगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के 2 टाइप फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 2 काउंटेबली अनकाउंटेबली, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, उसके बाद में इवेंट बराबर, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बराबर, पहला सैंपल स्पेस का इवेंट का टाइप कौन सा, एलिमेंट्री इवेंट, उसी का दूसरा नाम सिंपल इवेंट कौन सा ठीक है, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट कितने सैंपल पॉइंट होते हैं उसमें 0, तीसरा इवेंट श्योर इवेंट, नेक्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड बाद में 5th कौन सा एग्जॉस्टिव ए यूनियन बी इक्वल टू एस, क्लियर ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशंस देखिए क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, यूनियन ऑफ एन इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इवेंट, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सी चीजें हमारी आसान हो जाएगी। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, ये ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया जाता है ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की टोटल हमेशा कितनी होती है दोस्तों 1 होती है। वैसे ही अगर यहाँ पे ये सैंपल स्पेस हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ए क्या है 1 2 3, अगर कोई बोला ये कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या करेंगे आप, ये 1 2 3 छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए वो क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो समझ में आता है आपको ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या है एग्जाम्पल से आप आराम से बता सकते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन में हमेशा याद रखना अगर मान लो यहाँ पे 5 भी होता और ये दोनों का यूनियन करते तो 5 यहाँ पे 2 बार लिखते क्या, यूनियन में 5 यानी यूनियन में कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट कितनी बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है, और यूनियन का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मिला के हमने एक सेट बना दिया, ये क्लियर है। ओके इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, तो इंटरसेक्शन में आपको पता है ये इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, वो इंटरसेक्शन में आ गया, क्या लगता है ये ए और बी डिजॉइंट है क्या, नहीं क्यों कॉमन नहीं है, एम्प्टी नहीं आया ना, फाई नहीं आया, फाई आता तो हम बोलते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ये भी बात आपको क्लियर हो गई। देन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ इवेंट। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन देखो क्या बोलता है, ये तो ऐसा तो आप डायरेक्टली कर सकते, देखिए ए और बी नहीं, बी का कॉम्प्लीमेंट और बी ए सिंपल नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों टर्म्स को बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ए दिया है बी दिया है, मुझे बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा दोस्तों, ये सैंपल स्पेस है हमारा 5 एंड 6, तो अभी क्या करना है आपको सिंपल, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 एंड 2, तो अब आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन क्या है 1 2, तो ये आ गया 1 2 ठीक है। देन गाइस आगे का दिया है हमको अभी ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी बोलो कॉमन क्या है 5 6, ये बात क्लियर हो गया आपको। तो अगर थियोरेटिकल ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये एग्जांपल आपको देना रहेगा, सो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन। देन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, बट यू नो कुछ कसर नहीं छोड़ना था मुझे, सब कुछ कवर करना था करके पॉइंट डाला हुआ है ठीक है, तो अगर आता ही है ये सब कुछ मत करके जाना।
ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना भैया, प्रोबेबिलिटी क्या होता है दुनिया में, तो प्रोबेबिलिटी होता है एम बाई एन। क्या होता है एम बाई एन, यानी क्या, टोटल कितना आउटकम आने वाले हैं मेरे फेवर में, कितने आए, टोटल कितने आउटकम आने वाले हैं वो उससे डिवाइड करते हैं, और मेरे फेवर में कितने आए, मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स टू ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कॉइन कॉइन जो है वो अगर टॉस करते हैं, बोलो टोटल आउटकम कितने आएंगे, दो, लेकिन एक बार में कितना आउटकम आएगा फेवरेबल, एक ही आएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो जो प्रोबेबिलिटी है कॉइन टॉस करने का वो कैसा होता है, 50%, यानी हाफ। ये समझ में आई बात, बोलो ये टू मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और वन मतलब क्या, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, या फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। दूसरी बात दोस्तों, जो एम है ना, एम हमेशा याद रखना है आपको, ये जो टोट ये कभी भी बोलो ये टू है तो ये फोर हो सकता है क्या, ऊपर का हमेशा कैसे होगा, दो या दो से छोटा, दो या दो से छोटा, इतना तो आपको समझ में आता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है हमने कि ये एन जो है नीचे की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे की वैल्यू है उससे ये वाली वैल्यू कैसी होती है, हमेशा छोटी ही होती है, और ये जीरो या वन टू थ्री जो भी कुछ होगी, लेकिन किससे छोटी होगी, एन से हमेशा छोटी ही होगी। देन डिस्कस लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बिल्कुल करके मत जाइए, स्किप ही कर दीजिए, जरूरत नहीं है, हाँ, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। देन दे मे आस्क यू कि प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या होता है। हमेशा याद रखो जो भी प्रोबेबिलिटीज होती है उसकी जो टोटल होती है, देखिए समेशन अगर हम करते हैं आई इक्वल टू वन टू एन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई का, तो इसका टोटल हमेशा क्या होता है, वन होता है, और हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है, जीरो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सबका टोटल किया तो कितना होगा, वन ही होगा। ये चीज आपको याद करके जाना है, प्रोबेबिलिटी मॉडल। देन इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस, आई डोंट सजेस्ट यू, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, नो वन इज गोइंग टू आस्क, बट देख लीजिए, अ फाइनाइट सैंपल स्पेस वेयर ईच सैंपल पॉइंट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या, सबका प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो कौन सा हो गया, फॉर एग्जाम्पल हेड एंड टेल कैसे है, इक्विप्रोबेबल है, ठीक है, बट नहीं पूछते हो सब। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करना ही करना है, इसमें से ऑलरेडी हमने ना बाकी एक्सियम्स कर भी लिए, एंड प्रूफ्स आर नॉट एक्सपेक्टेड। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा क्या होता है, वन होता है, ओके। उसके बाद में दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ये जो इवेंट है हमेशा किसका सबसेट होता है, सैंपल स्पेस का होता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों ए यूनियन बी कब होते हैं, जब ए और बी कैसे होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ये फॉर्मूला साइड में लिख लो, अभी आगे लगेगा भी हमको, वैसे लिख के भी दूंगा बट ये बिल्कुल याद रखो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है दोस्तों, ये मिसिंग इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है कि वो कैसा है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट इज जीरो, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये एक्सियम जो है ना तीनों बिल्कुल करके ही जाना है, स्किप नहीं करना है, ऑलमोस्ट हम लोग एंडिंग पॉइंट तक आ गए हैं, बट ठीक है, अभी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है ना वो दूसरे इससे खत्म करेंगे। हाँ, ये करके जाना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए इसमें सिंपली इतनी बात है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑलरेडी किया ना हमने, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, बराबर है फाइव, और यहाँ पे याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फर्क दिख रहा है दोनों में, इसमें क्या होता है एम टी, इसमें क्या होता है एम टी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फिलहाल इतना ही डिफरेंस है, एक डेफिनेशन याद रखो, न्यूमेरिकल एक दो में बताऊंगा उसमें मैं और क्लैरिटी आपको दे दूंगा। इसके अलावा ये कुछ है, ये जब हम लोग एक दो सम्स लेंगे तभी डिस्कस करेंगे, थ्योरी समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी में क्या क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसके आगे मैंने फिलहाल क्या स्किप किया पता है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ये मैं न्यूमेरिकल के टाइम में ही बता देता हूँ, उसके बाद में इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड बेस थ्योरम का डेफिनेशन, बाकी ये तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। थ्योरी पूरा देख लिया आपने, प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट में और ज़्यादा थ्योरी एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर भी दो टॉपिक है जो करके गए एडिशनली तो चलेगा, वो मैं बताता हूँ। अभी हम लोग कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, चलो वो करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो कुछ दो तीन फॉर्मूला है मैं उतने लिख के दे रहा हूं, उन पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, पक्का? ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इसके बराबरी में अभी फॉर्मूला करना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चीज इधर आई तो प्लस हो जाएगी, लेकिन ये चीज इधर आई तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्लियर है आपको, डन ये दो फॉर्मूला, ओके। तीसरा दोस्तों, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होगा, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, बराबर है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखना है तो इसके साथ में कौन कौन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये उधर जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी उधर जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये समझ में। मतलब मेन फॉर्मूला कौन सा है, मेन फॉर्मूला कौन सा है, एक। अब आपको इस पर चार फॉर्मूला बनाने, पांच बनाने, वो आप पे निर्भर है। देखो मैंने तो ये एक फॉर्मूला लिख दिया, अब आप इसके बराबरी में ये लिखो, इसके बराबरी में ये पूरा शिफ्ट कर दो, इसके बराबरी में ये बाकी टर्म्स लिखो, इसके बराबरी में ये टर्म्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक फॉर्मूला के और कितने बन सकते हैं, एक बन सकता है ये, एक बन सकता है ये और एक बन सकता है ये, समझ में आ गया। बस इधर उधर शिफ्टिंग होगा, बाकी और कुछ नहीं, क्लियर है। मतलब ये फॉर्मूला में अगर हमको कोई भी तीन वैल्यू मिल गई तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी कि नहीं, कोई भी तीन टर्म मिल गए मतलब फोर्थ टर्म मिल जाएगी, पक्का है, ओके। तो ये मेजर फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, कौन सा लॉ आई पता ही है, डिमॉर्गन्स लॉ, इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, वन होती है। वन में से हम लोग अगर इसका यूनियन माइनस कर देंगे तो जो बचता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी का मतलब दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, वन से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, डन। उसके बाद दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये इसको हमेशा याद रखना, P of A में से ये जिसका कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट है यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो टर्म पहले नहीं लिखना और माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन करना, ठीक है, ऐसा इसको फिलहाल याद रख सकते हैं। मैं दूसरा तरीके से बताता हूं, अगर मान लो ये ऐसा होता, बोलो किसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो उसमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना, समझ आए। यहाँ पे किसका कॉम्प्लीमेंट नहीं था इसलिए ए से माइनस किया इंटरसेक्शन, है ना, ऐसा भी याद रखा तो चलेगा। फिलहाल इतना फॉर्मूला इनफ है दोस्तों, जो अभी आपको लिख के दिया।
लॉजिकली अभी आपको स्पेसेस बताता हूँ किधर क्या होता है और क्या रहेगा, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए, अब मान लीजिए ये वेन डायग्राम है, ऐसा बॉक्स होता है, ठीक है, आप सबको ये पता है। ये एक सर्कल ले लेता हूँ, ये एक सर्कल ले लेता हूँ, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, क्लियर, ठीक है। आप मुझे बताएं ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है। ये वाला एरिया की अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो ये बेसिकली देखिए, ये ध्यान दीजिए पहले, ये पूरे ए में से, ये पूरे ए में से, ये देखो, ये पूरे ए में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो जो एरिया बचता है वो कौन सा बचा है, ये समझ गए ना, ये वाला, ध्यान ही बात। तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कर्ल का, ठीक है। ए में से, पूरे ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये क्या बना, बोलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, क्लियर हो गया आपको। तो एरिया देखो कौन सा क्या है, वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको मैं बोलता हूँ नंबर वन, इसको नाम दे देता हूँ नंबर टू। तो ये है नंबर वन, ये है नंबर टू, और इसको हम नाम दे देते हैं नंबर थ्री। तो ये है नंबर थ्री, डन, क्लियर है, ओके। तो मेजर ये चीजें थी, और ए यूनियन बी तो आपको पता ही है, ये पूरा का पूरा, क्लियर। तो अब देखिए इसका ये फॉर्मूला कैसे बना, ए यूनियन बी में पूरा ए भी होता है, बराबर, बट वो पूरे ए में ये एक चीज एक बार कॉमन आई, बराबर, फिर पी ऑफ बी में भी ये वापिस आया ना, और एक बार इसके लिए एक बार माइनस कर दिया, समझ में आया क्या बात। ए यूनियन बी में ये जो कॉमन वाला पार्ट है कितनी बार आता है, दो बार, तो हमने क्या करना है, एक बार उसको माइनस कर देना है, क्लियर। तो ये कुछ जनरलाइज मैंने अभी आपको आइडिया दे दी। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपको पता है ये रिवीजन सेशन है, तो हम लोग जो चीजें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, कंप्लीट कंप्लीट द मिसिंग प्रोबेबिलिटीज इन द फॉलोइंग टेबल, इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। अभी एक टेबल लेते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये टेबल आपको कंप्लीट करना है दोस्तों जल्दी से। जहां जहां एम्प्टी रखा है वो फिल करना है आपको, फॉर्मूला सब अभी आपको पता है। ये एक में हम लोग तीन चार प्रॉब्लम के इतना कंटेंट खत्म कर रहे हैं। चलो कंप्लीट करो ये टेबल, ऑल द फॉर्मूलाज यू हैव, ठीक है। 2 मिनट में एंड कीजिए, आई पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल। यस क्या बोलना, 1 मिनट, हाँ लेट मी, ओके। सो गाइस लेट स्टार्ट। देखिए मिसिंग वैल्यूज बताएंगे क्या आप लोग जल्दी जल्दी। चलो मैं फिल करता हूँ। देखिए ये 0.4 आया है, 0.3, 0.2, 0.6, 0.2, 0.20 एंड 0.5, क्लियर है।
पक्का सबका सही है? ऑनलाइन फ्रेंड सही है? प्लीज रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो डन, ये ऑल फॉर्मूला बेस। हाँ बोलो। हाँ कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, ये फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट करना है। आपने लिखे थे फॉर्मूला, फिर ये यहाँ पे मैंने तब बता के गया ना, अब ये दो वैल्यूज है, ये तीन वैल्यूज थी, ये तीनों वैल्यू अगर ये फॉर्मूला में पुट करते हो आप, तो आपको ये इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। एनीवे तो इस टाइप के क्वेश्चन एक कैटेगरी है जो आपको आ जाएगी। ओके देन ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे, प्लीज बोलो ना का, अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो प्लीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो सिंपली क्या पूछ सकते हैं आपको, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द टू इवेंट्स ए एंड बी, इस टाइप का सवाल वो पूछेंगे। अभी तक के देखिए, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, डेफिनेशन लिख लो। लेट ए, मैंने ऑलरेडी कहा था, मैंने जब आपको थ्योरी बताया तब मैंने बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, मैंने स्किप किया था। ठीक है, और मैंने कहा था न्यूमेरिकल के टाइम में आपको बताऊंगा। सो लेट ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस एस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन 0। चलो अब मैं इसको समझाता हूँ किस तरीके से इसको पढ़ना है, लिखना है, समझना है। ठीक है, जितना इसेंशियल है उतना डिटेल्ड में अलग से आप सेशन देख सकते हैं। तो गाइस इसको पढ़ते कैसे, देखो याला वाचा इसे कैसे लक्ष्य दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको पढ़ना है गिवन, क्या पढ़ना है इसको, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना किसका है, ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो अभी ये यहाँ पे आप देख रहे कर्टन लगे हुए हैं, अब मैंने अगर कहा भैया बाहर बारिश आने के चांसेस कितने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, इतना अगर बोला, ठीक है, और बाद में ऐसा बोला गिवन दैट देयर देयर आर यू नो क्लाउड्स आर देयर, मतलब बहुत से काले बादल वहां पे जमे हुए, ये मैंने आपको क्या किया, एडिशनल कंडीशन दे दिया, तो वो बन गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको मैंने क्या किया, एक सपोर्ट दिया कि बारिश आने वाली है और बाहर बादल भी है, क्लियर। मतलब मैंने ये कहा आपको कि मुझे रेड कार्ड सिलेक्ट करना है गिवन दैट इट इज ऑफ डायमंड, मैंने ये भी बोल दिया वो डायमंड का है, तो आपको एक एडिशनल क्या मिल जाती है वहां पे, सपोर्ट मिल जाता है। तो हमेशा याद रखो आपके पूरे सिलेबस में जब तक यहाँ पे एक ही वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइक दिस, तब तक आप क्या लिखने वाले हो, एम बाई एन, एन मतलब क्या टोटल आउटकम और एम मतलब क्या फेवरेबल आउटकम, बराबर है। तो जैसे ही यहां पे ऐसा बार आ गया तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी बन गई, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि भैया हम दोनों का क्या करो, आप इंटरसेक्शन ले लो
और जो गिवन वाला पार्ट है उससे डिवाइड कर दो। हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लो और गिवन वाले पार्ट से क्या कर दो, हमको डिवाइड कर दो। और जो गिवन वाला पार्ट है उससे आप डिवाइड कर रहे, इसलिए वो क्या नहीं होना, जीरो नहीं होना। कैसा होना, ग्रेटर देन जीरो, और प्रोबेबिलिटी माइनस में तो होती नहीं, सीधी बात है। तो अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टेंस टू वाई दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, तो आप क्या करेंगे बताओ, ये दोनों का क्या करेंगे, और जो गिवन वाला पार्ट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड। और क्या बोलेंगे कि ये क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। क्लियर? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखो, ए और बी ये दोनों क्या है, इवेंट्स है। ओके, किस पे डिफाइन किए हुए है, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये इस तरीके से डिफाइन की जाती है, ऐसा आपका यहाँ पे सवाल है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एक एक चीज बताओ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन क्या होगा, ए और बी, बी जो गिवन वाला पार्ट है वो। अब मैं आपको बोलता हूँ, ये ए और बी दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, क्या है मतलब उनमें कॉमन है क्या कुछ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में कॉमन होता है, नहीं होता है। क्लियर है? तो याद रखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर दोनों एम्प्टी है उनका इंटरसेक्शन, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो जीरो होती, कितनी होती है। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया और बोला दोनों क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो हमेशा याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जीरो बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आंसर क्या होएगा, जीरो ही होएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये दोनों क्या नहीं होना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होना, होंगे तो सीधा जीरो हो जाएगा। तो बहुत बार बच्चे पूरा सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन में वो उन्होंने दिया ए दिया बी दिया और ये लिख दिया कि ये दोनों कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, या हमको दिखाई दे रहा है कुछ दोनों में कॉमन नहीं है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां चलेगा ही नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए दिए हुए दोनों इवेंट, हमेशा याद रखो उनमें कुछ ना कुछ क्या होना, कॉमन होना, ये याद आपको रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू चिल्ड्रेन इन अ फैमिली, देयर आर टू चिल्ड्रेन इन अ फैमिली, वॉट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। Given that at least one is girl, I'm not expecting कि ये problem सबको आए, पढ़ रहे conditional probability तो कम से कम एक problem discuss करना चाहिए, करके मैं ले रहा हूँ। बाकी सब student जिनको लगता है कि कल का session, आज का theory वगैरह enough है, वो भी 30 marks का score कर सकते हैं। Because always remember, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई भी सम भी आ गया और वो आपको नहीं भी सॉल्व करने आ रहा है, तो उसके ऑप्शन में दो क्वेश्चन मिलेंगे। आपको समझ में आ रहा है, मतलब कभी भी ये इस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी में नहीं आता है। किस में नहीं आएगा, कंपलसरी में नहीं आएगा, तो रिलैक्स। तो पढ़ते हैं हम लोग, कितने चिल्ड्रन है फैमिली में, दो है। ओके, दो चिल्ड्रन अगर रहेंगे फैमिली में, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो, एक बन सकता है, दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, या दोनों गर्ल हो सकते हैं, राइट? यही सैंपल स्पेस बनेगा। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पहले पूछा है। तो मुझे बताओ, ये जो इवेंट है गर्ल वाला इवेंट, इसको हम ए नाम देते हैं, तो इस इवेंट में क्या आएंगे, जीजी आएंगे, बराबर है, क्योंकि क्या बोला है, बोथ आर गर्ल्स, तो ये इवेंट में क्या आएंगे, जी जी। और दूसरा क्या बोल रहा है वो, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो
तो दूसरा इवेंट है बी, एटलीस्ट वन गर्ल, मतलब बी जी, जी बी, जी जी, क्या लगता है दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या? दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है क्या? क्यों? दोनों में जी जी कॉमन है। और अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब देखो किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन वाला पार्ट ये है ना आगे वाला, ठीक है। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये गिवन वाला पार्ट इधर, क्या करते हैं हम इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन क्या लिखते हैं दोस्तों, गिवन वाला पार्ट। ये तो समझ में आता है आपको, क्लियर है? ओके सो बस अब इसको हमको जनरलाइज वैसे सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेता हूं मैं, पहले लक्ष्य ध्यान, इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है। टोटल कितने इवेंट है किसी भी चीज की, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी चीज की, एम बाई एन होता है ना, तो टोटल कितने, चार है मेरे फेवर में, कितने है, एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हुआ, 1/4। तो बेसिकली ये है 1/4। दूसरा अभी नीचे पी का निकालना है, मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कितने है, चार, और मेरे फेवर में कितने है। दैट्स इट गाइस, इसका जो आंसर है आगे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करता है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा ये 4/12, मतलब ही क्या आ गया 1/, ठीक। तो ये इस टाइप का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं, हटाऊ ये मैं, डन, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन दी सैंपल स्पेस विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12। और एक और चीज दोस्तों हमेशा याद रखो, जब रिवीजन भी हम लोग है ना ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर लिया है, यानी लास्ट वाला सेशन में तो ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज को देखा, तो अगर आप याद करो डिटेल्ड, अगर आप वाकई में करो तो बहुत बेनिफिट आपको हो जाता है, यानी लेकिन वो टाइम पे करना चाहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर प्लीज 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 डोंट वेट रिविजन के लिए, यार आखिरी में तो मिल ही जाएगा ना, भैया नारियल खुद भी यू नो फोड़ना चाहिए ना भगवान के सामने, लास्ट टाइम पे जाके प्रसाद दिया, ऐसा काम नहीं करना है। हाँ जो आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इट इज ओनली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हमको बहुत अच्छा स्कोर करना है, उस टाइम में रिवीजन का टाइम में हमें स्कोरिंग का पॉइंट ढूंढना है, स्कोरिंग का पॉइंट ढूंढना है, हमेशा याद रखो। जो नेक्स्ट सेमेस्टर में ना ऐसा काम करो मत, गलती करो मत। व्हाट वी एक्सपेक्ट ना रिवीजन में, वेरी फ्यू स्टूडेंट शुड बी देयर, जिनका वाकई में हुआ नहीं, प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, उन्होंने रुकना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर। सो अब हमें क्या करना है, फाइंड नंबर वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अभी फार्मूला पता है कैसा लिखते हैं, सब कुछ वैल्यू सामने दिया है, जल्दी से निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, फार्मूला कैसा लिखते हैं ऑलरेडी बता दिया आपको। नंबर थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए का कॉम्प्लीमेंट, गिवन ए का कॉम्प्लीमेंट। चलो इसका फॉर्मूला लिखना कैसे, आपको ऑलरेडी सिखाया दोस्तों मैंने, कि जो भी दो दिए होते हैं ना उन दोनों का इंटरसेक्शन करने का, और जो ये गिवन वाला पार्ट होता है उससे डिवाइड करना। तो इसका फॉर्मूला ये बना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना, और नीचे कौन आएगा, ए, क्योंकि ये गिवन वाले पार्ट में कौन है, ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सर इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखा तो भी चलेगा, और ये गिवन वाला पार्ट यानी ये वाला, क्लियर है ना।
जब बी ऐसा दिया है तो ये दोनों का इंटरसेक्शन और गिवन वाला पार्ट, जब भी ऐसा दिया है ये दोनों का इंटरसेक्शन और ये गिवन वाला पार्ट, जब भी ऐसा दिया है ये दोनों का इंटरसेक्शन और ये गिवन वाला पार्ट। क्लियर? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ है। और एक चीज गाइस, यहाँ पे अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालो तो कैसे निकालेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ही वन माइनस वन बाय थ्री, मतलब ही थ्री मल्टीप्लाई किया थ्री माइनस वन बाय थ्री मतलब ही टू बाय थ्री, तो वो यहाँ यूज करने में आ जाएगा काम में। समझ में आई बात? उसके बाद में यहाँ की जनरलाइज देख लेते हैं वैल्यूज। ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने निकाल लिया, अभी उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है हमको, बी के साथ। तो क्या आएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आएगा, क्या आएगा जल्दी से एंड करो। ये ऑलरेडी याद आता है क्या, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन, अठौतः का रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूला लिख के दिया ना, इसके बदले क्या लिखना चाहिए, जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से क्या माइनस करना, उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस ओनली, और ये सब वैल्यू है इधर। समझ में आई बात? पक्का? चलो आंसर बताओ, बोलो इसका कितना आया। ओके, वन बाय ट्वेल्व बाय वन बाय फोर वन बाय थ्री, वन बाय ट्वेल्व बाय वन बाय थ्री कितना आया, वन बाय फोर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसकी जगह लिख रहा हूं, वन बाय फोर से माइनस करो वन बाय ट्वेल्व अपॉन, ये कितना निकाला था ये कॉम्प्लीमेंट, टू टू बाय जो भी कुछ है अभी आपको सॉल्व करना। क्लियर? ठीक है, वन बाय फोर। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी का एक और सम लेते हैं, जिसमें अभी मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, ये पूरा सम आपको करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रहा हूँ 0.80, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में दे रहा हूँ आपको 0.45, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देता हूँ मैं आपको 0.50, और मुझे चाहिए ऑप्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कॉम्प्लीमेंट probability of a given b and probability of a complement given b complement। चलो सबका आंसर तरीके से properly solve करना है, take your time, I pause the video for a while। चलो guys, इसका formula क्या बनेगा सर, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं, ये देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और जो गिवन वाला पार्ट है उससे डिवाइड करते हैं। सो 0.45 अपॉन 0.80, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं अपॉन जो गिवन वाला पार्ट है उससे डिवाइड करते हैं, बराबर। अभी ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल के लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वन माइनस पी ऑफ ए, बराबर है। तो वन से 0.80 माइनस किया होगा आपने तो 0.20 मिल गया होगा, क्लियर है, एंड आपने ये वैल्यू पुट किया होगा। दूसरी बात, इस चीज को मैंने कैसे आपको सिखाया रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन को, कि क्या करना, जिसके कॉम्प्लीमेंट नहीं है उससे क्या माइनस कर देना, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब वैल्यू आपके पास है अभी, राइट, बस पुट करना है, ये भी आपको कर लेंगे, सिंपल है। हाँ, इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, जैसा ये निकाला वैसा आप ये भी निकाल सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्लियर है। ओके, ये कैसे लिखना, ये मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला में लिख के दिया, देखो ये बेसिकली क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ की तरह हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बराबर, मतलब ही वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी,
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वैल्यू देंगे और आपको ऐसा कुछ भी देने दो, आपको हर टाइप का सम सॉल्व करते आना चाहिए। बोलो डन। सो क्या, कौन सा वाला? ये वाला, ये फॉर्मूला लिख के दिया है देखो, इसके बदले ये लिख सकते हैं और इसके बदले ये लिख सकते हैं, बाकी तो ये वैसे के वैसा है, शुरुआत में ही मैंने लिख के दिया। हाँ देखो, आप फॉर्मूला देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। ओके देन गाइस, अब आपको आना चाहिए डिफाइन इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, दो इवेंट इंडिपेंडेंट कैसे है वो अभी आना चाहिए। तो प्लीज इसका डेफिनेशन ये होता है दोस्तों, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आने का चांस है, और जैसे मैंने सम सभी बताया वैसे आने के चांस है, बस जितना फॉर्मूला लिया उतना करना। डिफाइन इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स, तो उसके लिए लिख के लो द इवेंट्स ए एंड बी डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस एस आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड probability of b given a is equal to probability of b or probability of a intersection b is equal to probability of a dot probability of b। okay, क्या चीज है ये, थोड़ा सा इसको logically अभी समझ के लेते हैं। जाला लियून। okay देखो, independence कब बोलना, मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको ऐसा फॉर्मूला पहले लिख के दिया, देखो ए यूनियन बी, ठीक है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इंटरसेक्शन, या डायरेक्ट लिखता हूँ तो क्लैरिटी आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बराबर है। तो यहां पे ना एक चीज का ख्याल रखना है आपको, कि यहां पे ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग है ना क्या करते हैं, ए और बी का बस प्रोडक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का टोटल पे सब कुछ यहां पे निर्भर करता है। दूसरी चीज, एक और चीज यहां पे देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी को क्या करते हैं हम, दोनों का इंटरसेक्शन और अपॉन ए गिवन वाला पार्ट लिखते हैं ना दोस्तों, बराबर है। बट यहाँ पे क्या हो गया पता है, यहाँ पे ये दोनों का रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्टली हमने आंसर में क्या लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्यों लिया है पता है, इसलिए क्योंकि ये नाम क्या है, देखो क्या है, मतलब मैंने बोला मुझे हार्ट का इक्का चाहिए, किसका इक्का, हार्ट का, ठीक है, या हार्ट वाला किंग चाहिए, गिवन दैट All cards are black, वो तो इंडिपेंडेंट है ना भैया, सब ब्लैक है, मतलब ये ब्लैक है और तुम बोल रहे हैं हार्ट का इक्का चाहिए, तो ये बी का कुछ असर हुआ क्या, कोई लेना देना नहीं, तो बस कौन बचा, ए ही बचा ना भैया, कहता इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट, अगर दोनों इवेंट डिपेंडेंट है, कुछ कॉमन है तो बात अलग है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी भी सामने, क्योंकि तब हम उन दोनों में कॉमन देखेंगे और जो गिवन वाला है उससे डिवाइड करेंगे। जब आप बोल रहे इंडिपेंडेंट है, तो ये जो गिवन वाला बी है, ये गिवन वाला ए है, इसका कोई असर ही नहीं है, तो वही का वही आएगा ना जो बचा,
कर्ल का मन तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में, ये बी का और ए का कोई लेना देना ही नहीं है तो गिवन दे क्यों रहे हैं, बस ए दे दो। दिस इज इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट। इसको एक दो प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हो, लिखो। इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन ओमेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 0.80, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.90। क्वेश्चन ऐसा है, एग्जामाइन वेदर ए एंड बी आर फर्स्ट इंडिपेंडेंट, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डन गाइस। अब ठीक से ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट के लिए हो या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए हो, इंडिपेंडेंट के लिए हो या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए हो, ये कंडीशन बताना मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही लिखते हैं ना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखते। तो गाइज आप मुझे एक चीज बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होगा ना। यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन दिया है क्या उन्होंने, इसलिए ये फॉर्मूला से निकाल के ले रहे। बोलो ये वैल्यू है क्या आपके पास, रहा है, कितना है 0.80। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है क्या, रहा है, कितना है 0.5। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 0.4, विच इज नॉट इक्वल टू 0 आया क्या, 0 आता तो हम बोलते वो दोनों कैसे है, लेकिन आया क्या 0, नहीं आया। तो लिखना है आपको, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कुछ भी करके आपको प्रूव करना होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में इतना ही प्रूव करना होता है कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन 0 है या नहीं है। 0 आया तो बोलना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नहीं आया तो बोलना नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इतना ही प्रूव करना होता है। क्लियर हुआ ये? अब इंडिपेंडेंट है क्या नहीं, अभी आप एक चीज देखिए, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। देखो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है क्या उन्होंने, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं कौन से फॉर्मूले से, पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है क्या ये फॉर्मूला, ठीक है, ओके। सो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ए यूनियन बी 0.90 माइनस बी ए 0.5 प्लस ए इंटरसेक्शन बी 0.4 निकाल के लिया है, तो कितना हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8। आई बात समझ में, क्या लगा, पॉइंट नाइन से 0.5 गया 0.4 और 0.4 प्लस 0.4 0.8, क्लियर। जीरो जिसको लगा वो तो फिर छोड़ दो। ओके अब गाइज हमें क्या प्रूव करना है, इंडिपेंडेंस, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया। अब उसका ये कंडीशन याद आता है क्या था इंडिपेंडेंस का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक, हमने ऑलरेडी ये निकाल के रखा है, कितना निकाल के रखा है 0.4। क्रॉस चेक करते आता है क्या,
पॉइंट एट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिया था, कितनी है प्रॉब्लम में दिया है 0.5, बोलो कितना हुआ टोटल 0.4। देखो पहले निकाला था तो भी 0.4 था, अभी निकाला तो भी क्या है 0.4, इसलिए बोथ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, सॉरी बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है नोट कर लो। अब गाइस आई शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है पहले हम लोग अभी क्वेश्चन पेपर में आपको बताता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन पेपर है मेरे सामने, इस क्वेश्चन पेपर में ये देखिए, सपोज ए एंड बी आर टू कैसे इवेंट है इंडिपेंडेंट, डिफाइन ऑन सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 0.2, ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.4, और उसको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ठीक से यहां पे ध्यान देना, मुझे बोलो ये कैसे है इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट है मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा ए डॉट बी, अभी अभी बताया ना आपको, देखो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन है ना, तो मुझे बोलो ये क्या मिला आपको 0.2 इंटू 0.4 कितना मिला, घबराए थे नहीं रे, ठीक है मिल गया ओके। अब मुझे बताओ ये दोनों और इसकी हेल्प से ए यूनियन बी निकलेगा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखो, सबसे पहला फॉर्मूला वही लिख के दिया था जो बहुत सारे फॉर्मूले लिख के दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मिलेगा ए यूनियन बी ओके। इससे ए यूनियन बी कैसे मिलेगा बोलो, ऑलरेडी आपको बोला कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है और बाद में क्या होता है 1 माइनस ए यूनियन बी, और जो यहां से निकाला वो यहां पुट करके आंसर निकल जाएगा कल का, ठीक है फिर से बताता हूं, ये दोनों इवेंट कैसे थे इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो फॉर्मूला है इमीडिएट आपके समझ में आना चाहिए कि सर ए गिवन बी होगा तो सिर्फ कौन ए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अभी जो हमने पढ़ा उसका हेल्प से ये सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताओ कल के लेक्चर के बाद ये पता है अभी आपको, ये पता है ना बी वाला, ठीक है उसके बाद में ये वाला भी मैंने कल बताया था है ना, ध्यान है अभी देखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट डिफाइंड ऑन सैंपल, में बोलो ए दिया है बी दिया है ए इंटर दिया है, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, चलो कल के लेक्चर के बाद ये आ जाएगा, ठीक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ सुना है क्या आपने, सुना है एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आज ही बताया मैंने, बेज थ्योरम अभी उसका थ्योरी में तुरंत बता दे रहा हूँ बेज थ्योरम क्या है, सिर्फ एक थ्योरी का पॉइंट रहा था जो कि नोट्स में लास्ट में, नोट्स में लास्ट का है, तो बेज थ्योरम का फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई, दिस इज द फॉर्मूला गाइज दैट्स इट, ये फॉर्मूला लिखा मार्क्स मिल जाते हैं फिलहाल इतना है, और आई मतलब क्या होता है 1 to 2 n, नोट्स में वैसे आप देखने ही वाले ये फॉर्मूला क्या है देखो, नॉर्मली अभी तक हम क्या लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इतना ही लिखते थे ना, अभी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री गिवन बी, पार्टीशन पढ़ते हैं इसमें क्या आते हैं पार्टीशन होते हैं,
फिलहाल रिवीजन है इसमें, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेशन आपको करना है। अब देखिए ये हो गया, उसके बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के देखो सिर्फ डेफिनेशन पूछी तो आप तो आराम से लिख देंगे अभी, ए गिवन बी इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन। ओके, उसके बाद में सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी, ये दो थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन है या कंटेंट है उतना मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये उसने मुझे अभी बताया ये करना है क्या, मैंने ऑलरेडी उसको कहा ये दो टॉपिक करना है, न्यूमेरिकल नहीं रहता उस पर, सिर्फ डेफिनेशन करना है, क्या करना है डेफिनेशन सिंगल लाइन करके ही जाना है, छोड़ना नहीं। ओके, इस टाइप का एक दो सम ले तो बोलो ये आएगा क्या आपको, आ जाएगा ना, ठीक है। ये देखिए पार्टीशन ऑफ सैंपल्स पे, चलो पार्टीशन आया है ना, और स्टेट बेस्ड थ्योरम तो फॉर्मूला लिख देना, पार्टीशन में जल्दी से मेरे हिसाब से आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों, अभी आप में मुझे पार्टीशन करना है, आप सब हो ए, आप सब मिलके कौन हो ए, आपको लिया चार लोगों को ए वन में डाल दिया, आपको ले लिया ए टू में डाल दिया, और आप सबको ए थ्री में डाल दिया, बोलो कितना पार्टीशन बनाया, तीन। बोलो इन तीनों का यूनियन करता हूं कौन आएगा, बोलो इन तीनों का इंटरसेक्शन करता हूं कौन आएगा, कॉमन आएगा फाइव, क्या आएगा, हो गया पार्टीशन खत्म। पार्टीशन मतलब इतना ही है, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री डैश 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 टिल ए एन गिव्स यू ए, पूरा सबका यूनियन किया, अभी मैंने तीन बनाया, आप एन तक कितने भी बना सकते हैं पार्टीशन, एक एक का भी पार्टीशन बना सकते हैं, सबका यूनियन किया तो क्या वन ए, रे भाई ऐसा क्या, और सबका इंटरसेक्शन किया तो जीरो नहीं रे फाइव, प्रोबेबिलिटी निकाला तो जीरो आता है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख के देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तरीके से लिख लो दोस्तों, ठीक है। हेडिंग देंगे छोटा सा, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, नोट्स में है सब कुछ, हाँ नोट्स में पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस भी है, बेस थ्योरम भी है, सब कुछ है, नो वरीज, फिर भी एक समझाना बोल के समझा रहा हूँ आपको, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, sample space, the events a1 a2 an defined on the sample space s are said to represent the partition if and only if, दो कंडीशन है बस उतना लिख के आना है, नंबर वन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज एम्प्टी फॉर ऑल आई एंड जे एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, जितने भी हो, देखो आई जे क्यों लिया पता है, ए वन ए थ्री ए टू ए वन कुछ भी कैसा भी किसी में भी इंटरसेक्शन करो हमेशा क्या आना फाइव, और आई और जे सेम नहीं, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे ए वन इंटरसेक्शन ए वन ही ले लेंगे, इसलिए दोनों अलग रखा है, ठीक है। नंबर टू, यूनियन जो है वन से लेके एन तक, बोले तो ए वन ए टू ए थ्री सबका यूनियन, ए आई का यूनियन क्या आना चाहिए फिर से सैंपल स्पेस, जाली डेफिनेशन डन, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो बेस थ्योरम का डेफिनेशन करना, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का करना। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स डिफाइन करने को बोल रहा है, तो मुझे बोलो आप क्या लिखेंगे पता है, लेट ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ एंड ओनली इफ, लेट नहीं लिखना, ठीक है। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ,
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। और अगर इनका आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का कोशिश ही किया, भैया बी का कोई असर पड़ता है क्या? दो, बस खत्म, और कुछ नहीं लिखना, ये हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद में बाकी तो हमने जो दिख रहा है आपको सब हमने कल किया हुआ है। ओके, क्या लगता है ये आएगा अभी आपको? अभी अभी यही किया प्रॉब्लम हमने, सिर्फ नंबर अलग है शायद, या हो सकता है सेम ही हो, यही किया ना? ठीक है, तो कैसे एक बार रिकॉल करवा, तो ये फॉर्मूला म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या बोलता है मुझे बोलो, इन प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, क्योंकि वो उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो हमने इसका फायदा लेने का, इसका फायदा लिया तो क्या होगा पता है? ये इंटरसेक्शन बी होता है ना इसमें, तो अभी ये इधर गया मान लो, तो हमको फॉर्मूला मिल गया, किसका फॉर्मूला मिल गया बोलो, ए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मिल गया, डन। इसकी वैल्यू लिखते 0.5, इसकी वैल्यू कितनी है 0.8, कितना आया 0.4, नॉट इक्वल टू